जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है। 2 लाख की पूंजी से 1 लाख का महीना कैसे कमाएं, ठीक है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग की। देखिए कितने खुश हैं ये दोनों। रिटायरमेंट होने के बाद भी इनको पैसों की कोई टेंशन नहीं है, मस्त शॉपिंग कर रहे हैं। सामान देखिए कैसे भर भर के खरीदा हुआ है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे वो ETF स्विंग ट्रेडिंग के साथ में करने वाले हैं। 2 लाख रुपए का आपका कैपिटल है, आप अभी नौकरी कर रहे हैं या छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, साइड से ETF ट्रेडिंग आपको करते रहना है और आने वाले 10 से 15 सालों में आप रिटायर हो जाएंगे और आप 1 लाख रुपया महीना सैलरी कमा रहे होंगे ETF ट्रेडिंग करके। तो ये पूरा प्लानिंग है, इसको हम लोग आज अपने वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं अपने चैनल पे ETF के बारे में, रेगुलर इनकम के बारे में वीडियोस पोस्ट करता रहता हूं। आपसे मेरी दरख्वास्त यह है कि आप मेरे चैनल को, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, जिससे कि इस प्रकार की वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए मेरे लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके पास इनिशियल जो मनी है वो 2 लाख रुपए की है, ठीक है। 2 लाख रुपए की आपके पास में इनिशियल मनी है और मंथली रिटर्न आपको जो कमाना है, सारे ब्रोकरेज, सारे टैक्स, इनकम टैक्स काट करके 2% कमाना है। आप वीडियो में बने रहिए, मैं बताऊंगा कौन सी स्ट्रेटजी से आप आराम से इतना कमा सकते हैं। बिल्कुल आराम से आप कमा सकते हैं 2% ETF ट्रेडिंग से, सारा ब्रोकरेज, सारे टैक्स, सारी चीज़ें काट करके, ठीक है। पहला साल है, इनिशियल कैपिटल 2 लाख का है, साल के आखिर में 48 लाख रुपए यानी 48,000 रुपया यानी कि 24% हमने कमा लिया, ठीक है। 2 लाख का मंथली इनकम जो महीने में हमने कमाया वो 4,000 कमाया, साल में हमने कमाया 48,000 रुपया, ठीक है। अगले साल वो अपनी, अभी पूंजी को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, अभी हम लोग पूंजी को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अपने को जब रिटायरमेंट लेनी है उसके बाद हम लोग उस कैपिटल को यूज़ करेंगे। तो अगले साल का आपका इनिशियल कैपिटल हो गया 2,48,000 रुपया। 2 लाख में ये 48,000 जुड़ जाएगा, 2,48,000। इस पे फिर हमने 24% का रिटर्न निकाला, महीने का 2%, साल का 24%। तो महीने में आपने 4,960 रुपया कमाया और यहाँ पे 59,520 रुपये आपने कमाया। अगले साल 3 लाख की कैपिटल हो गई और इस तरीके से 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, ये आपकी गाड़ी चलती रह गई। आपको जो 50,000 का मंथली इनकम आने लगेगा वो 13th ईयर में आने लगेगा, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप उस काम को करते हुए साइड से ETF स्विंग ट्रेड करेंगे तो आज से ठीक 2 लाख रुपए से स्टार्ट करेंगे तो आज से 13 साल के बाद में आपको 50,000 का इनकम आने लगेगा, ठीक है। 50,000 का आपको इनकम आने लगेगा और 16th ईयर में, 15 साल जैसे ही बीत जाएंगे, 16th ईयर में आपको 1 लाख रुपए का इनकम आना चालू हो जाएगा। 2% साल का, 24%, आप मेरा वीडियो देख लीजिए, इतना मुश्किल नहीं है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं कि एक एक ETF ने इतना मूवमेंट किए हैं कि आप साल के 80% तक देने वाले ETF है। कल ही मैंने मैफेंग का वीडियो डाला था जिसने एक साल में 80% का रिटर्न दिया है। इसी साल में बैंक बीज ने 36-36 करके 2-3 बार रिटर्न दिया है और अपना टारगेट सिर्फ 24% का है पूरे कैपिटल पे, ठीक है। जब आप इस लेवल पे आ जाएं, अभी आप इसे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। जो बेस्ट स्ट्रेटजी मंथली इनकम के लिए आपको सूट करेगी वो 40 डेज रेगुलर इनकम की स्ट्रेटजी है, बाकी कोई स्ट्रेटजी आपको सूट नहीं करेगी।
इस स्ट्रेटजी की खूबी ये है कि इसमें सारा का सारा लॉट एक बार में बिकता है और आपका कचरा पूरा साफ हो जाता है। नई एंट्री मारने से पहले आपको सारे ETF को स्टडी करना है, ठीक है, सारे ETF को स्टडी करना है, और जिस ETF पे आपका दिल बोले कि ये यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से ऊपर जाने की संभावनाएं हैं, ऑलरेडी उसकी जो ग्राफ लाइन है वो मिडल में है, उस ETF में आप मंथली इनकम स्ट्रेटजी सिर्फ एक में स्टार्ट कर दीजिए। अभी मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैंने इसको और ज़्यादा सेंसिटिव बना दिया है, मैं इसकी वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें आपको 40 डेज में 4% का रिटर्न मिलेगा। सेंसिटिव मैंने मंथली इनकम स्ट्रेटजी को इस प्रकार बनाया है कि मैंने उसकी पावर को डबल कर दिया है, अब वो डबल पावर के साथ काम कर रहा है। पहले 40 डेज में 3% था, अब 40 डेज में 4% आराम से देगा आपको, ये तो आराम से मिनिमम देगा। और खुदा ना खास्ता आपका गैप अप ओपनिंग हो गया 2-3% कभी, तो वो आपके एक्स्ट्रा अकाउंट में जाएगा। इसमें जो स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट बैठेगी मंथली इनकम के लिए वो 40 डेज रेगुलर इनकम की स्ट्रेटजी रहेगी, और 2 लाख रुपए से 15 साल में 1 लाख का महीने तक का सफ़र इस तरीके से आप अपना तय कर सकते हैं। अभी से आप कोई काम कर रहे हैं अपना काम करते रहिए, 2 लाख रुपए से अगर आप ETF ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली कर रहे हैं, तो आप 15वें साल में 24% अगर आप लगातार जनरेट कर दिए, 15वें साल में आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इस तरीके की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी नॉलेजफुल वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।